यूपी में बेमौसम बारिश कर रही फसलों को बर्बाद, किसानों को हुआ भारी नुकसान। बीज बेचने वाले ने बीज बेच दिया, खाद बेचने वाले ने खाद बेच दी, कीटनाशक बेचने वाले ने दवा बेच दी, लेकिन अब किसान क्या बेचे, क्या मुआवजा देगी सरकार? देखिए संपादक विनय की ग्राउंड रिपोर्ट की तस्वीरें और वीडियो फुटेज। इस साल अक्टूबर में हो रही बेमौसम बारिश किसानों की मेहनत पर पानी फेर रही है। मौसम की मार से किसान परेशान है। पहले तो जब बारिश की किसानों को जरूरत थी तब नहीं हुई, किसानों ने किसी तरह फसल की बुवाई और रोपाई की। अब जब फसल बढ़ने लगी है तब बेमौसम बरसात किसानों की मेहनत पर पानी फेरने के लिए उतारू है। इससे किसान परेशान है क्योंकि उनकी मेहनत से तैयार की गई फसल बर्बाद हुई जा रही है। रविवार की देर शाम फिर तेज बरसात होने से किसानों की चिंता और बढ़ गई। इस साल किसानों पर कुदरत ने कहर बरपाया है। गुरुवार से बारिश की शुरुआत हो गई थी और शुक्रवार को तेज हवाओं के साथ हुई बारिश ने एक बार फिर किसानों की कमर तोड़कर रख दी है। शनिवार को हालांकि हल्की बूंदाबांदी ही सुबह हुई और रविवार की देर शाम फिर मूसलाधार बारिश हो गई। बारिश से तैयार हो चुकी बाजरा और धान की फसल को नुकसान हुआ है। बारिश के चलते तिलहनी फसलों की बुवाई भी प्रभावित हुई है, जो अब तकरीबन 15 दिन पिछड़ जाएगी। इस बारिश के कारण जिले के 3,00,000 किसान प्रभावित हैं। गुरुवार दोपहर से जिले में कई जगह पर अचानक बारिश शुरू हो गई। बेमौसम हुई इस बारिश ने किसानों की मुसीबतें भी बढ़ा दी हैं, क्योंकि इस समय बाजरा और धान की फसल तैयार हो रही है। यह फसल अचानक शुरू हुई बारिश के कारण भीग गई है। अब किसानों को बारिश के कारण भीग चुकी फसल के खराब होने का भय परेशान करने लगा है।